नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी। आज जहाँ पूरा देश उस महान शख्सियत को याद करके नम है और अंतिम यात्रा में भागीदार बना है, तो ऐसे में एसटीडी भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर एसटीडी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। एसटीडी का प्रसारण 2 दिन के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रहेगा और 2 दिनों में उनके जीवन से संबंधित संस्मरणों के अलावा कविताओं और हिमाचल से जुड़ी यादों को प्रसारित किया जाएगा। पूर्व पीएम वाजपेयी के हिमाचल में सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपने अनुभवों को एसटीडी के साथ साझा किया। धूमल ने उनके साथ बिताए हुए पलों के बारे में चर्चा की। बता दें कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे, तो उस समय अटल जी के साथ हुए संवाद और मनाली में भेंट वार्ता आज भी धूमल के मन में ताजा हो जाती है। आइए देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जुबानी अटल जी के साथ बिताए हुए पल। बहुत निकट का संबंध रहा है। श्रद्धेय अटल जी, जितने नेताओं को मैं जानता हूं, सबसे महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। 1991 के चुनाव में उनका पहला कार्यक्रम कांगड़ा में था, दूसरा हमीरपुर और उसके बाद मंडी पार्लियामेंट में। लेकिन उनका जहाज कांगड़ा में लैंड नहीं हुआ और वो शायद कुल्लू मंडी निकल गए। चुनाव हो गया, वो नहीं आए। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आ गए, तो चुनाव जीतने के बाद मैं मनाली पहुँचा, पता लगा श्रद्धेय अटल जी भी मनाली आए हुए हैं। मुझे बताया गया वो फॉरेस्ट ट्रस्ट हाउस में टिके हैं। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुरंत आ जाओ। मैं वहाँ गया तो जिंदगी में पहली बार मैंने उनको इस वेशभूषा में देखा। नीले स्ट्रैप्स वाली कमीज पहनी हुई थी, काली पैंट और हाथ में कुत्ते का संगल लेके उसको पकड़ा हुआ था। मैं बैठा, नमस्कार वगैरह हुई, बधाई दी उन्होंने। उनकी बेटी मिठाई लेके आई, उनका बर्फी खाओ। तो मैंने कहा मैं अटल जी की बर्फी नहीं खाता। कि क्यों भाई? मैंने कहा क्योंकि अटल जी आप मेरे चुनाव क्षेत्र में तो आए नहीं, ना कांगड़ा आए ना हमीरपुर आए। आपने यहाँ 2 जनसभाएं दूसरे चुनाव क्षेत्र में कर दी और लोगों ने मेरे खिलाफ में प्रचार किया कि आप मुझे नहीं चाहते। अटल जी ने आँख दबा के कहा तुम 2 पीस खाओ। मैंने कहा क्यों? कि तुम बच गए, मैं नहीं आया। तुम जीत गए, जहाँ गया था वो हार गए। तो किसी भी सिचुएशन को वो किस तरह बदल देते थे, बहुत बड़ी क्षमता थी उनमें। 19 मार्च 1998 को श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने और 24 मार्च को उसी सप्ताह मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। राजभवन से हम रिज पे जा रहे थे, दोनों ही थे गाड़ी में, तो मैंने कहा अटल जी पाबंदियाँ तो बहुत लग गई। कहने लगे हाँ अमेरिका ने लगाई है लेकिन खुद हटाएगा अमेरिका। मैंने कहा क्यों, हमें फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मार्केट भारतवर्ष है। अमेरिका ने सामान बेचना है तो उसको मार्केट चाहिए, उसे भारत चाहिए। और वही बात उनकी सही निकली। बाद में कुछ महीनों के बाद अमेरिका ने पाबंदी हटाई। मैंने कहा आपको हमें भी कुछ यहाँ देना पड़ेगा। कहले कुछ 3 दिन पहले तो कुल्लू में दिया 100 करोड़ रुपया। मैंने कहा शिमला राजधानी है, तो श्रद्धेय अटल जी ने फिर से 200 करोड़ रुपया शिमला में भी हिमाचल को दिया। एक यात्रा में 300 करोड़ ऐसे, एक बार कुल्लू में 400 करोड़ अरबों रुपए की घोषणा वो करते थे और देते थे पैसा। हिमाचल में जो मांगा वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। उनके कार्यकाल में हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला। उनके कार्यकाल में रोहतांग टनल का काम निर्माण प्रारंभ हुआ, उन्होंने शिलान्यास किया। इसलिए अटल जी के नाम पर हमने अटल स्कूल यूनिफॉर्म, अटल स्वास्थ्य सेवा योजना, अटल आवास योजना, अटल जी के नाम पर बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट प्रगति नगर शिमला में स्थापित किया। अनेकों योजनाओं का उनके नाम से प्रारंभ किया क्योंकि हिमाचल के प्रति उनका स्नेह अपार था। वो बहुत हिमाचल को चाहते थे। बहुत बार जब भी वो आते थे, हर साल गर्मियों में मनाली आते थे और हर बार कई कई बार मेरा एक एक दिन में कई कई बार मिलना होता था। उनके निवास पर जो उनके दामाद का घर है, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं थी, सरकार हमारी थी। हमने
थोड़ा प्रयास करके जिला प्रशासन के माध्यम से मेन रोड से सड़क उनके घर तक बनवा दी। और जब तो उनको बताया नहीं, जब वो गाड़ी वहाँ रुकने को लगी तो मैंने कहा नीचे तक जाएगी, तो अटल जी देख के बड़े हैरान हुए। अटल जी के साथ तो बहुत सारी अविस्मरणीय स्मृतियाँ हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बन के जब मैं दिल्ली गया तो कई मंत्रियों से एक दिन में मिल लिया, क्योंकि लोकसभा में कई मेरे सहयोगी रहे थे। शाम के टाइम मैंने कहा श्रद्धेय अटल जी को भी मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री जी को टाइम मांगा तो वहाँ से आया कि आज मुलाकात नहीं हो सकती। मैंने पूछा इनकार प्रधानमंत्री ने किया या अधिकारियों ने, 5 मिनट में फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि शाम को 8 बजे आ जाओ, सूप इकट्ठा पियेंगे। और उसके बाद जब भी मैंने समय मांगा हमेशा समय मिला। जो VIP का कोड बना होता है वो मेरा कोड वहाँ जब वो प्रधानमंत्री तब भी, उसके बाद भी, आज भी वो है एनी टाइम अपॉइंटी, जब भी आए तो अपॉइंटमेंट मिलती है। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्यार स्नेह उनसे मिलता है। कविता लिखते बहुत अच्छी थी, बोलते बहुत अच्छे थे और कभी सम्मेलन में बहुत रुचि रखते थे। जब ग्रीष्म अवकाश में वो हिमाचल आते थे तो मनाली में माउंटेनियर इंस्टीट्यूट के हॉल में उन्होंने कवि सम्मेलन किया। उसमें कि हमारे राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री जी भी कवि थे, उन्होंने भी कविता सुनाई, प्रधानमंत्री जी ने सुनाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी उसमें हमारे प्रभारी थे, इन्होंने भी कविता सुनाई। तो बहुत कविता में तो बहुत उनकी रुचि थी और बहुत प्यार से स्नेह से सुनाते थे। अटल जी की सबसे प्यारी कविताएं जो थी कावन कविताएं का संग्रह जब छपा तो उसके विमोचन के समय भी मैं उपस्थित था दिल्ली में, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उसमें के थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। और उनकी 2 पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े मन के हैं, बहुत विशाल हृदय के हैं और बहुत लोकप्रिय नेता, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता।